ये गंगे मैया वो हमारे और जा रहे थे दुर्घटना में जो जाए भैया उनको शांति प्रदान करना आपकी सदा ही जय भैया। वैष्णो गंगे हर गंगे ये किस लिए दीपदान किया गया, क्या तबाही कर रहे हैं आज जो है, जो वैष्णो देवी पे यात्रा से आते हुए लोगों पे जो हमला हुआ था और बस खाई में गिरी थी जिसमें हमारे यहाँ अनेक यात्री मारे गए, छोटे छोटे बच्चे मारे गए, उस उपलक्ष्य में उनकी आत्मा की शांति के लिए गंगा जी पे दीप जला के जो है उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। और साथ ही साथ हम डबल इंजन की सरकार से जो है ये चाहते हैं कि जब तक वो आतंकवादी पकड़े ना जाएं तब तक उनको चाहे कब्र में से खोद के लाना पड़े, पाताल में से लाओ, आसमान से लाओ, कहीं से लाओ, ये बहाने नहीं चलेंगे कि कांग्रेस नहीं बोल रही और ये नहीं बोल रही। कांग्रेस सत्ता में नहीं है, सत्ता में आप लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपने देश की सुरक्षा का भरोसा दिया है। ये हिंदू मुस्लिम की भावना हर जगह ना फैलाएं, चाहे वो जो है आतंकवादी हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, आतंकवादी आतंकवादी है, और आपको जो है ढूंढ के लाना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा, उनकी गोली उन्होंने मारी है तो उनका गोली से बदला गोली से गोली होना चाहिए। और जब तक वो जो है उनकी मतलब नहीं पकड़े जाएंगे ये जो है आतंकवादी या उनको एनकाउंटर नहीं होगा तब तक जो है कांग्रेस जो है इसके खिलाफ बिगुल बजाती रहेगी, सड़कों पर धरना प्रदर्शन करेगी, सरकार का बीजेपी सरकार का पुतला फूकेगी। धन्यवाद। अक्षय जी ये दीपदान किया गया क्या उत्तराखंड में? हमारे जम्मू कश्मीर में जो वैष्णो देवी माता वैष्णो देवी के दर्शन करके श्रद्धालु लौट रहे थे, उनके साथ जो आतंकवादी घटना हुई उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, कांग्रेस उसका पुरजोर विरोध करती है और उसकी मांग करती है कि जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को शूट एट द साइट होना चाहिए और इस तरह की कोई भी पुनरावृत्ति देश में नहीं होनी चाहिए। जो वहाँ श्रद्धालु जो हमारे जो जन्म जो स्वर्गवासी हो गए उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने ये आज यहाँ पर दीपदान किया, गंगा मैया से प्रार्थना की और गंगोत्री माँ गंगोत्री के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु जा रहे थे वो वहाँ पे जो बस दुर्घटना हुई उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। और कुवैत में हमारे 40 भारतीय जो मजदूर थे वो एक आग की अग्निकांड में जो जन्म बेचारे जल गए हैं उनके शव भी पता नहीं किस स्थिति में होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर इस तरह की दुर्घटना कहीं भी विश्व में नहीं होनी चाहिए। मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवारों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर उनकी मदद करें और ऐसी दुख की घड़ी में हम सब पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, भगवान उनकी भी आत्मा को शांत करें।